निसा रावल और करण मेहरा टीवी इंडस्ट्री के उन कपल्स में से एक थे जो अपनी केमिस्ट्री के लिए हमेशा सुर्खियां बटोरते थे, लेकिन आज वे एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए चर्चा में रहते हैं। निसा ने अपने पति करण मेहरा पर साथ रहने के दौरान घरेलू हिंसा का आरोप लगाया था। उन्होंने करण के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने का भी दावा किया था। हालांकि इन सब बयानों के बाद करण ने उनके दावों को खारिज कर दिया और उल्टा निसा पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप लगाया। तब से दोनों के बीच लड़ाई चल रही है और मीडिया के सामने दोनों एक दूसरे पर पलटवार कर रहे हैं। अब निसा रावल ने इस पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। हाल ही में निसा ने बांद्रा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और मीडिया के सामने अपनी बात रखी। निसा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में करण मेहरा द्वारा लगाए गए सभी आरोपों का काउंटर किया और अपनी साइड रखी। हर एक पहलू पर निसा ने अपनी बात रखी। देखिए ये निसा का मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुझे सिर्फ ये बोलना है, दिस गोना बी शॉर्ट, आई कांट से शॉर्ट एंड स्वीट, देयर इज नथिंग स्वीट अबाउट दिस, बट ऑल आई एम गोना से इज दैट आप गलती करते हो, आप उसे मानते हो, एंड देन यू मूव ऑन, यू लिव एंड यू लेट द अदर पर्सन लिव। फिर एक वैरायटी होती है लोगों की जो गलती करती है, उसे छुपाती है, उसे मानने के बजाय दूसरे पर कीचड़ उछालती है, बिकॉज आई थिंक दे फील दैट दैट्स एन ईजियर वे आउट। एंड इस बार ये कीचड़ एक माँ पर उछला है, उसकी ममता पर उछला है, एक लड़की के कैरेक्टर पर दाग लगाने की कोशिश की गई है, प्रोफेशनल करियर के बीच में आने की कोशिश की गई है। आज मैं अपनी सफाई ज़रूर पेश कर रही हूँ, मैं ये नहीं बोलूँगी दैट यू नो आई एम नॉट हियर टू क्लैरिफाई एनीथिंग, यस आई एम, आई वेरी मच आई एम, बट ये उन लोगों के लिए है जो लोग मुझसे प्यार करते हैं, जिन्होंने इतने सालों तक, स्पेशली जब से ये कॉन्ट्रोवर्सी हुई है मेरे साथ, मेरा साथ दिया है, मेरे लिए प्रे किया है, एंड वो वेट कर रहे हैं टू हियर माई साइड ऑफ द स्टोरी। द फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस दैट आई डिड वॉज ऑन द 1st of June 2021, वो भी मुझे मजबूरी में करनी पड़ी थी, बिकॉज ऑब्वियसली आई एम ए पब्लिक फिगर, और यूजुअली व्हेन यू आर फेमस एंड पीपल नो एवरीथिंग दैट हैपेंस इन योर लाइफ, तो जब FIR फाइल हुई द मीडिया गॉट टू नो, एंड द अदर पार्टी करण मेहरा स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट, एंड ऑब्वियसली आई हैड टू काउंटर इट, बट दैट टाइम आई वॉज इन पेन, आई वॉज इन अ स्टेट ऑफ शॉक, अ लॉट वॉज हैपनिंग, पुलिस मेरे घर पर थी, बच्चे के क्लासेस चालू थे, सर पर चोट लगी है, इतना सारा प्रेशर है, सडनली इट्स लाइक योर लाइफ इज फॉलिंग अ पार्ट। बट टूडे आई फील मोर कम्पोज, आई फील आई हैव डन अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ हीलिंग, और मैंने भी एक जर्नी तय की है इस पिछले एक डेढ़ साल से, दैट मीन्स फ्रॉम 1st June 2021 अंटिल टूडे। तो विदाउट फर्दर अडू, आई वॉन्ट टू काउंटर अ फ्यू एलिगेशंस दैट हैव बीन पुट ऑन मी, इस एक बात के साथ कि अब तक मैं खामोश थी, बट अ लॉट ऑफ पीपल टुक माई साइलेंस फॉर माई वीकनेस, एंड आई वॉन्ट लेट यू नो दैट माई साइलेंस इज डेफिनेटली नॉट माई वीकनेस। आई एम बिजी प्रोवाइडिंग फॉर माई चाइल्ड, आई एम ट्राइंग टू अर्न माई लिविंग, आई एम मैनेजिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, माई लाइफ हैज़ टेकन अ यू टर्न, एंड दैट्स व्हाई आई एम बिजी डूइंग दैट, एंड आई थिंक दैट आई शुड डेफिनेटली गिव दैट मोर प्रायोरिटी दैन आंसरिंग टू एवरी सिंगल यूट्यूब एलिगेशन दैट कम्स माई वे। So without further ado, I'm going to come straight to the points. So the first one is section 377, जो करण ने कहा कि मैंने 377 का सेक्शन उन पर, उनके पेरेंट्स पर और उनके भाई पर लगाया है। सबसे पहली बात तो ये मिसरिप्रेजेंट किया गया है और ये बहुत ही शेमफुल एक्ट है कि आप खुले में आकर इसको एक मीडिया ट्रायल बना रहे हो जब आपका एक कोर्ट केस चालू है। तो अगर आपको कोई शिकायत है या आपका कोई काउंटर एलिगेशन है या आपको कोई एक्सप्लेनेशन देनी है, तो उसके लिए हमारा जुडिशियल सिस्टम मौजूद है। यू डू नॉट हैव टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म वेयर देयर इज अ मीडिया ट्रायल हैपनिंग, बिकॉज व्हाट इज इट गोइंग टू गिव यू, उससे आपको क्या मिलेगा, यही फेम। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड द पॉइंट ऑफ दिस होल मीडिया ट्रायल, और मैं ये इसलिए करना चाहती थी बिकॉज आई वॉन्ट टू पुट एन एंड टू दिस मीडिया ट्रायल बिफोर इट बिकम्स अ फुल ब्लोन वन, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ अदर पीपल नाउ हु आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस। सो अब मैं ये बोलना चाहती हूँ कि FIR के पहले पेज पर एक तरफ सेक्शंस या धाराएँ लिखी होती हैं
और दूसरी तरफ उन लोगों के नाम लिखे होते हैं जिन पर ये धाराएं या सेक्शंस लगाई गई हैं, जिन्हें एक्यूज्ड भी कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि हर एक धारा या हर एक सेक्शन उस हर एक एक्यूज्ड पर लगाई गई है। दिस इज़ अ स्टैंडर्ड वे ऑफ लॉजिंग एन FIR। मैंने एक आम इंसान की तरह अपनी कंप्लेन पुलिस स्टेशन में जाकर दी और पुलिस को उस कंप्लेन के बिना पर जो धाराएं सही लगी उन्होंने लगाई। दिस इज़ नॉट मेड बाय मी, दिस सिस्टम इज़ नॉट मेड बाय मी। एनी डिसेंट मैन वुड नॉट टॉक अबाउट दिस ओपनली। 377 का जो सेक्शन है उसे बहुत ही सेंसिटिव सेक्शन माना जाता है, जहाँ पर उसकी जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो भी एक बहुत ही डिग्निफाइड और प्राइवेट तरीके से होती है। आपका इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी एक फीमेल होता है और यू नो इट्स डन इन अ वेरी कॉन्फिडेंशियल, प्राइवेट एंड अ डिग्निफाइड मैनर। उसको इस तरह से मीडिया में आकर उछालना, क्योंकि ये 377 वाली बात मैंने तो आप लोगों को नहीं बोली थी, करण नहीं बोली थी, इट्स नॉट द राइट थिंग टू डू। आफ्टर ऑल आई एम द मदर ऑफ हिज चाइल्ड, यू हैव लिव्ड विद मी फॉर 13 ईयर्स। अगर आपकी कोई शिकायत है, अगर आपको कोई चीज़ लड़नी है मुझसे, तो उसके लिए हमारा जुडिशियल सिस्टम है। एंड इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग कि करण के जो लॉयर हैं वो एक औरत हैं, और ये होते हुए अच्छे से, क्योंकि मेरे साथ तो मेरी लाइफ का पहला केस है, बट आई एम श्योर फॉर द लॉयर इट्स नॉट द फर्स्ट केस, राइट? आई एम श्योर शी इज़ अवेयर अबाउट दीज थिंग्स एंड शी इज़ स्टिल पार्टिसिपेटिंग एंड मेकिंग दीज यूट्यूब वीडियोज़ विथ हिम। इट्स अ कम्प्लीट शेम। टू कंक्लूड दिस पॉइंट ऑफ 377, आई वुड लाइक टू से कि अगर मैंने ये सेक्शन किया होता तो खुले आम में आकर मैं अपनी ही बात काउंटर नहीं करती, बिकॉज दैट वुड बी स्पॉइलिंग माई केस। दिस वॉट आई एम डूइंग हेयर टुडे एंड टेलिंग यू ऑल इज गोइंग टू बी रिकॉर्डेड एज प्रूफ एंड अटैच्ड इन कोर्ट, एंड आई वॉन्ट दैट टू हैपन। 1, 2, आई हैव ऑल्सो इन्फॉर्म्ड दिस टू माई मैरिज काउंसिलर एट द फैमिली कोर्ट कि करण मेहरा ये सब कर रहे हैं एंड ये रूमर्स मेरे बारे में फैला रहे हैं, और उन्हें प्लीज़ उन्हें रिक्वेस्ट कीजिए कि वो ये करना रोकें। तीसरी बात, आई हैव फाइल्ड अ कंप्लेन इन द पुलिस स्टेशन एवर सिंस ही स्टार्टेड मेकिंग दीज वीडियोज। 4, द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद प्रूफ लाइक दैट हैज़ बिन अटैच्ड इन द कोर्ट एंड आई एम टेकिंग अ लीगल एक्शन अगेंस्ट सच अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट एंड सच अ स्ट्रॉन्ग एलिगेशन। That comes to the end of 377. सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। सुशांत की मौत के बाद रिया काफी समय तक लाइमलाइट से दूर रहीं, हालांकि अब वह अपने नॉर्मल लाइफ में लौट रही हैं। हाल ही में रिया को सैलून के बाहर स्पॉट किया गया, जहां वो टोन जीन्स और ओपन शर्ट के लुक में नजर आई। सैलून से निकलने के बाद रिया ने पैपराजी के लिए तस्वीरें भी खिंचवाई, अलग अलग एंगल से पोज भी दिए, जिसके बाद रिया अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चली जाती हैं।